मैन बुरा हाल हो गया रोड का वाली कैसे वहाँ से वहाँ तक कहीं हेलीकॉप्टर भी खड़ा है सामने ऐसा कुछ है। यहाँ पे अदरक की धुलाई चल रही है अदरक तो अभी हम कर लेते हैं अपने नाश्ते की तैयारी और मैं बना रहा हूँ अभी ऑमलेट। मॉर्निंग के नाश्ते में कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ एग्स वगैरह सबसे फास्ट बन जाता है ठीक रहता है मेरे को ईजी रहता है। वैसे तो घर में जो बना होता है मॉर्निंग में मम्मी जो बनाती है वो मैं खा लेता हूँ सुबह बट काफ़ी दिन से एग भी नहीं खाए थे तो आज सोचा ऑमलेट बना लेता हूँ मैं। कैमरे के सामने कभी सही नहीं बनता है ये ऑमलेट मेरा जब इसे फ्लिप करता हूँ तो चिपक जाता है। मेरा ऑमलेट रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट अब इसे सर्व करता हूँ और जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर चलते हैं कहीं बाहर। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द व्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। तो आज संडे और टाइम हो रहा है 10:30 तो अभी नाश्ता मैं कर लेता हूँ नाश्ता मैंने बना के रेडी रखा है फिर उसके बाद चलते हैं आज थोड़ा राइड लेके आते हैं मौसम पूरा साफ है आज काफ़ी दिन बाद तो आज मौका लग रहा है बाहर निकलने का 4 दिन के बाद 4-5 दिन हो गए शायद और अब बारिश रुकी है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है काफ़ी जगह पर कहीं पर पुल टूट गए हैं कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया है तो ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अभी चलते हैं कहीं बाहर आज संडे का माहौल है और देख के आते हैं थोड़ा कैसा रहता है मोटर ब्लॉगिंग के थ्रू आपको थोड़ा आसपास के नज़ारा दिखाऊंगा चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम पहुँचे हैं रायपुर चौक पे जो घराट था मालता जो रोड है उस पर मैं आ गया हूँ। अभी 3 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी मतलब लगातार बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से क्या हुआ जो जो बाईपास निकला था सैलदा रोड का उसमें प्रॉब्लम हुई है उसमें क्या हुआ है आपका जो रोड है ऐसी रोड है वो रोड मतलब साइड से पूरी कट गई है मतलब बीच से पूरी कट गई है रोड बची नहीं है उसके बाद मतलब इस बार काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो गया बारिश रुकी नहीं रही थी मतलब काफ़ी दिन हो गया बारिश रुकी नहीं रही अभी भी मौसम ख़राब ही है पहाड़ों पे भी लगातार बारिश हो रही है। जैसे कि आपको पता मैंने बताया था मेरे को भी ट्रैवल करना था अभी जाने वाला था तो आ गया है पहला ये पुल आपका देखो आप पूरा पानी आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे कितना पानी आ रहा है यार काफ़ी पानी आ रहा है किसी फ्लाईओवर में चढ़ो ना फ्लाईओवर पे जाओ किसी भी तरह से लगता है कि धक-धक सी होती है कि मतलब यार गिर ना जाए क्योंकि बरसात के मौसम में कुछ भरोसा नहीं है। तो इस तरफ चले चले देखते हैं अब ये चलती ये रोड जा रही है आपकी सैलधार की तरफ तो जाके देखते हैं इसी रोड पर हुआ है वो आगे तो जाके देखते हैं आगे कैसा है। बाकी बाईपास नया ही बना था अभी और अच्छी रोड बनी थी रोड तो अच्छी बनी थी दिखने में अच्छी लग रही थी बट आगे जाके पता नहीं क्या हुआ इतनी जल्दी सफाया हो गया रोड का पूरी जैसा कि वीडियो में देखा हमने। फिलहाल तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है खुला हुआ है मौसम तो दोस्तों कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो आप इतना बुरा हाल हो गया रोड का वाली मतलब ये रोड आपकी जुड़ती थी सैंसधारा में मतलब सैंसधारा जो मेन रोड है सैंसधारा की उसमें जुड़ती थी यहाँ से बाईपास था सैंसधारा के लिए और ये कनेक्ट होता है आपका रायपुर के लिए और मालदेवता के लिए।
दोस्तों आगे वाला रास्ता बंद है, बट यहाँ से शायद निकल जाए। ये वाला रास्ता आगे निकल गया था थोड़ा, तो यहाँ से जाके देखते हैं क्या पता है रूट निकल जाए आगे। भाई साहब रास्ता ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये रूट निकल रहा है सहस्त्रधारा के लिए। तो यहाँ पे अदरक की धुलाई चल रही है, अदरक खेत से अदरक निकालोगे तो उसकी धुलाई चल रही है, फिर उनको सुखाया जाएगा अदरकों को। ये देखो अदरक की खेती यहाँ बहुत हो रखी है, अदरक निकाले जा रहे हैं आज खेत से। ये ऑल्टरनेटिव रूट है, मतलब ये पहले रूट ये वाला था, पहले जो पुराना रूट था वो ये वाला था, जो नया रूट बना था वो उधर वाला था जहाँ पे हम अभी देख के आए हैं, जहाँ पे रोड ख़राब है। तो ये दूसरा, ये पुराना रूट है, वो नया रूट है, पर वो नया रूट ख़राब हो गया, पुराने रूट का मैंने यूज़ किया है तैसा रोड की तरफ लिंक होने के लिए, तो उसी में चलते हैं। इस रूट पर भी काफ़ी मज़ा आता है, तो मतलब संकरा सा है ये रोड काफ़ी, बट अच्छा काफ़ी लगता है, गाँव के बीच से निकलती है रोड तो अच्छी है। यहाँ पे वो रास्ता लिंक होता है, ये बंद कर रखा है अभी यहाँ पे, तो ये लिंक होता है, वो रास्ता पूरा बंद है। तो मेन रोड आ गई है सामने, और ये रोड जो है सामने वाली ये जा रही है आपकी एक सहस्त्रधारा के लिए, ये आपका राइट में सहस्त्रधारा के लिए, और लेफ्ट में ये आपका निकलेगा पर लिंक होगा राजपुर रोड में भी लिंक हो सकता है, और आप यहाँ से क्रॉसिंग भी निकल सकते हो देहरादून क्रॉसिंग जो है वहाँ पे नाला पानी होते हुए। तो अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, हालांकि यहाँ भी रोड काफ़ी ख़राब है। मैन ये गार वाला भी स्टूपिड है बिल्कुल। पर लिंक हो गई रोड, और ये सामने है पैसिफिक गोल्फ के अपार्टमेंट्स, आप देख सकते हो मेरे राइट में, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं आसपास, होम्स। आपको दिखाता हूँ यहाँ का हेलीपैड, हेलीपैड की तरफ चलते हैं। ये टर्न लेके यहाँ से, ये कौन सा चौक है मेरे को पता नहीं, बट मैं यहाँ काफ़ी बार आया हूँ। मसूरी डाइवर्जन, हाँ मसूरी डाइवर्जन नहीं बोल सकते, मसूरी डाइवर्जन एक और है, पर ये मसूरी की तरफ निकलता है ये रूट ना, आपका लिंक होता है ये वाला रूट ऊपर झारखंड में, और वहाँ से मसूरी के लिए आप जा सकते हो। तो और यहाँ से एयरपोर्ट आपका, जहाँ से हम आए हैं 24 किलोमीटर है लगभग। ये रहा नीचे आपका हेलीपैड, ले इस तरफ ले लेता हूँ बाइक को, फिर उस तरफ लूँगा। तो ये रहा सामने आपका देहरादून का हेलीपैड, यहाँ से आपके लिए चार धाम के लिए भी, केदारनाथ के लिए भी आपका यहाँ से वो होता है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह मिलते हैं। आजकल तो शायद बंद रखा होगा, ऐसे वहाँ से वहाँ तक ये हेलीकॉप्टर भी खड़ा है सामने, ऐसा कुछ है। सामने VIP लॉन्च, और ये खुला मैदान हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए, और सामने एक राइडर्स कैफ़े भी है। ये है मेन एंट्री, मेन गेट जो है इनका हेलीपैड का। हम हैं उस रोड पे अभी जो कि आपकी लिंक होगी मसूरी की तरफ, मसूरी रोड की तरफ और राजपुर रोड की तरफ। इस रोड पे भी आपको काफ़ी कैफेज मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे।
तो वहाँ से नीचे उतरने के बाद ये दो पुल मिलते हैं हमको यहाँ पे, और जो लेफ्ट में रोड जा रही है ये आपकी कनेक्ट होती है कैनाल रोड और आपका राजपुर रोड की तरफ भी निकलता है नीचे से, बट ये कैनाल रोड है नीचे वाली, और ये ऊपर जो जा रही है ये जा रही है आपकी मसूरी डाइवर्जन के लिए। तो अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, और वो आपका लिंक होगा मतलब जाखन के लिए जाती है राजपुर रोड, और ऊपर लिंक होगा मसूरी के लिए। तो हमें यहाँ से लेंगे लेफ्ट जो कि निकलेगा ऊपर आपका सैंधा रोड पे ही, और ये सीधा जाता है आपका जाएगा आपका राजपुर रोड के लिए लिंक होगा, और यहीं से ऊपर आप शॉर्टकट लेंगे तो राजपुर रोड और मसूरी के लिए लिंक होगा। तो अभी हम चलते हैं इसी रोड पे लेफ्ट वाली, और स्ट्रेट निकलेंगे हम ऊपर जो कि आपका लिंक होगा सैंधा रोड पर। तो ये हम पहुँच गए हैं अभी सैंधा रोड पर, और ये लिंक हो गई आपकी, क्या लेफ्ट पर हम जाएँगे तो सैंधारा पहुँच जाएंगे, और राइट पर हम जाएँगे तो हम जाएंगे क्रॉसिंग की तरफ, मतलब मेन जो रायपुर में लिंक होती है उस रोड पे राइट पे। पर हम यहाँ जा रहे हैं अभी स्ट्रेट सैंधारा की तरफ ही जहाँ से हम आए थे, और ये है आपका आईटी पार्क सैंधारा सिटकुल, जहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ हैं आपके, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं। दोस्तों ब्लॉग में बने रहना, और ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट जरूर करके ज़रूर बताया करो यार कि कैसा लगता है ब्लॉग। दोस्तों मैंने यहाँ से टर्न लिया था उस समय, देखो अभी हम ऊपर नीचे से आए ना, और मैंने यहाँ से टर्न लिया था मसूरी के लिए ये वाला रास्ता। तो हम वापस कैनाल रोड होते हुए आए हैं वापस अब। Looking for things that I can't control. Fear from my past, 'cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. यहाँ से नीचे, क्योंकि आगे हम नहीं जाएंगे। तो वाह यार, देखो क्या नजारा है पुल का। जाते टाइम तो हम यहाँ से गए थे इस वाली रोड से, पर हम सीधे जाएंगे अब जो सीधे निकलता है, ये भी वहीं निकलता है मालदेवता रोड पे लिंक होगा ये भी। ये वाली रोड ना बिल्कुल गांव के बीच से निकलती है ये रोड, और बहुत बड़े लगता है यहाँ पे, अगल बगल खेत हैं, इस तरफ पहाड़ है, और घर भी काफ़ी अच्छे अच्छे बन गए यहाँ पे, प्यारे प्यारे से, बहुत लगी हुई है चावल की, क्योंकि सेम पानी वैसे ही और वहाँ पर भी आ रहा होगा। यहाँ से हमने यहाँ से एंट्री करी थी इस वाले रूट से, सैंधा वाले रूट से, और आए हम उस साइड से, पता लग गया होगा आपको पीछे वाले रूट से, तो हम गए इस तरफ से थे। तो दोस्तों ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए ट्रिप पे, किसी नई जगह पे, और जल्दी कहीं नई ट्रिप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दिस गैरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय उत्तराखंड।